तो क्या, मैं बड़ा परेशान हूँ भाई जी। ओ भाई साहब, आपकी परेशानी अभी दूर किए देते हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है? ओ मेरी गाड़ी क्या, मेरी गाड़ी तो छूट गई भाई साहब। छूट गई? हाँ, मेरी नई नई शादी हुई, इस शहर में नया आया हूँ। आज पहली बार नहीं मूड मनाने चला आया था। पता नहीं मेरी बीवी किधर गुम होगी, बड़ा परेशान में यार। ओ भाई साहब, अगर आपकी बीवी गुम गई है तो आप मेरे गैरेज में क्यों आए? ओ यार, मेरी बीवी बड़ी भोली है पाजी, किधर लिफ्ट दिया होगा, गाड़ी में बैठ गई होगी। अब गाड़ी खराब ही हो सकती है, ठीक ठाक कराने इधर आया होगा, उस हिसाब से आया हूँ। बड़ा परेशान हूँ भाई साहब। देखो भाई साहब, अगर आपकी गाड़ी खराब है तो मैं ठीक कर सकता हूँ, मगर ये आपकी बीवी का मैं क्या करूँ जी? मैं वो यार, गाड़ी में बीवी में क्या फर्क है यार? वो चलते चलते गाड़ी बिगड़ जाती है, बैठे बैठे बीवी बिगड़ जाती है। तो फिर पार्ट कौन सा खराब है ये तो बताओ। सारे पार्ट। क्या पार्ट की बात करो, नई नई शादी हुई, पार्ट की बात करो? तुम्हारा दिमाग खराब है, एक तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से दिमाग खराब करो तुम। वो देखो भाई साहब, आपकी अगर बीवी गुम हो गई है तो पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करो ना। ओए पुलिस स्टेशन में जाओ तो तरह तरह के सवाल करते हैं, तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, किधर हुई है, कैसे हुई है, दिखने में तुम्हारी बीवी कैसी है, काली है, गोरी है, बैठती कैसी है, चलती कैसी, हजार सवाल करते हैं, दिमाग तुम्हारा एक ही है ना। ओ भाई साहब, आप सिर्फ इतना बताओ कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अच्छा आप पता लिख लो भाजी। हाँ बताओ, पता बताओ। इंडिया मोस्ट वांटेड दिल्ली। बिल्लो की आवाज है। बिल्लो, बिल्लो तू किधर है? लगता है होटल जाके वर्ल्ड वार है। दार पुकारे हो, कितना सुना लो पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जिधर लैला ने मजनू के साथ, हीर ने रांझा के साथ, जूलियट ने रोमियो के साथ, और टाइटैनिक की हीरोइन ने अपनी टेक्निक के साथ सुसाइड कर ली, खुदकुशी की थी। ये खुदकुशी क्या होती है? खुदकुशी जो अपनी खुद की खुशी से नहीं होती है ना, उसको खुदकुशी बोलते हैं। अच्छा, सुसाइड? सुसाइड, कुछ लोग सोकर साइड हो जाते हैं, कुछ लोग बगैर सोए साइड हो जाते हैं, वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। लगता है सठिया गए गुलेर जी। मैं सठिया गया? मुबारक हो, मुबारक हो। सुना है शादी के बाद सारे सठिया जाते हैं, मैं सठिया गया कौन सी बड़ी बात है? बिल्लो, बिल्लो, टाइम क्या हुआ है? साइड तो नहीं कर रहे मेरे साथ? एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? क्या फायदा, क्या फायदा टाइम पूछ के? आज आप टाइम पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, कुछ देर बाद आप नाम पूछेंगे मैं बता दूंगा, फिर आप मुझसे पता पूछेंगे मैं बताऊंगा, आपसे पूछूंगा आप मुझे पता बताएंगी, मैं आपके यहाँ आऊंगा आप मेरे पास आएंगी, आना जाना बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, आप मेरे घर आएंगी, मेरी बीवी को शक होगा। क्या सरदार जी, मैं तो सिर्फ टाइम पूछ रही हूँ। ओ ऐसा टाइम आ गया, मैं टाइम पे आ रहा हूँ। देखिए टाइम का कोई भरोसा नहीं है, आज ऐसा टाइम आ गया है, दोस्त दोस्त का नहीं है, दुश्मन दुश्मन का नहीं है, हमारा खाते हमारे पे थूकते हैं, बुरा टाइम आ गया है, हर जगह टाइम बम लगे हुए हैं, ये टाइम आ गया, ऐसा टाइम आ सकता है, हम सोच लेकिन सकते सरदार हैं। जी मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज टाइम बताइए ना। देखो मैं जरूर बताऊंगा, मैं कल का टाइम भी बताऊंगा, आज के टाइम भी बताऊंगा, आने वाला टाइम भी बताऊंगा, बहुत बुरा टाइम है। देखिए मुझे आपके टाइम पे तरस आ रहा है, आपका टाइम कितना खराब आ गया, जो मुझसे टाइम पूछ रही है, जिसके पास टाइम ही नहीं है, मैं टाइम को भी पहनता नहीं हूँ, क्या फायदा पहन के, जो अपने साथ नहीं जाएगा उसका क्या पहन के फायदा है, ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। मेरी फिलॉसफी सुन के सारे भाग जाते हैं। पाजी, हाँ जी, आपने उसको देखा है? को जी, ओ मेरी वाइफ को यार। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं आपकी वाइफ को क्यों देखूंगा? ओ मेरा मतलब ये है, मेरी वाइफ कमरे में नहीं है। तो दूसरे कमरे में होगी। क्या मतलब है? पाजी आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में बैठी होगी। टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में मैं मर गया? किसी जनानी के साथ बैठी होगी। जनानी के साथ बैठी होगी, ठीक है, जैसे उसका पता चल जाए तो मेरे पते पे आके पता कर देना, ठीक है। बोला तारा रा रा। किधर है? इधर है। बोला तारा रा रा। हेलो, कहिए आपकी बीवी रूम में है? हाँ है, क्यों? तो फिर मेरी बीवी नहीं होगी। बड़ा अजीब कैरेक्टर ये जी। कैरेक्टर तो औरतों का होता है जी, हमारा तो सिर्फ ट्रैक्टर होता है। और रब रब और डर दी, रब रब कर दी, क्या बिल्लो मेरी छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई, अच्छुई सोना सोना, और दिल मेरा सोना, और फड़ ले कोना, कोई होर ना होना। ओह
से आपका। आप सिर्फ कहते ही हो, हनीमून मनाते नहीं। हे हे हा, चलन जरा फेंकी। आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो किसी ने भी ना किया होगा। परफ्यूम लगा के। हाय परफ्यूम, कहाँ है परफ्यूम? हाय सियापा। हाँ जी भाई दिया। ओए खुशबू बदबू कह रही है। तानू सुकाम हो गया, आप ही सूंघ कर देख लो। ओए ठीक तो है? आप ही लगा लो, मुझे नहीं लगाना। तेरे बाप ने कभी लगाया परफ्यूम? है? मेरे बाप का नाम नहीं लेना। और तेरी माँ ने लगाई है? मेरी माँ का नाम नहीं लेना। तो फिर किसका नाम लो यार? मेरी माँ का नाम लिया है, फिर मेरे बाप का नाम लिया। साला परेशान करके रखा है मुझे। और कौन परेशान कर रहा है यार? एक तो तू बगैर बोले अंदर आ गया, मैं परेशान के तू परेशान। एक तो ये कुत्ते की तरह मेरे को मार रही है। कौन परेशान है यार? 7 साल हो गए हमारी शादी को, बच्चे का पता नहीं है आज तक। कौन परेशान है, मैं या तू? 7 साल से हम हनी मून बना रहे हैं, ना मून का पता है ना हनी का पता है, कौन परेशान है? सुने एक बार अचार सुखाने छत पर गई थी, मेरी माँ नीचे ककड़ी काट रही थी, इसका पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे गिर गया। इसका कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ का पूरा काम हो गया। मेरे बाप ने सदमे से दूसरी शादी कर ली, उसके 4 बच्चे हो गए, मेरे आज तक बच्चे का पता नहीं है। कौन परेशान है यार? चल मैं तुझे परेशान करता हूँ। बत्ती जला, क्या करूँ? बत्ती जला, खसमन को ना, बत्ती जल रही, बत्ती जल रही। मैंने क्यों होया? और तैनू कुट गया कंजर, कुट गया। मैंने मारिया, मारिया मैंने। हेलो गांधीनगर पुलिस थाना। नमस्ते, क्या झगड़ा हुआ है? जी ऊपर तो सोया ही रहता है। जी यहाँ हनीमून मनाने आए हो या दंगा फसाद करने? दंगा? हाय सियापा, वे मेरे आदमी को मार मार के नंगा कहते हैं दंगा। मोदी, और लेट मी क्लियर यू वन थिंग सर जी, दंगा फसाद तो तुसी गल कर रहे हो ना, दंगा हुआ था ID4 में, अब तो फसाद होगा जी, फसाद। और तू तलवार ले आ क्या? तलवार जने तुझे कितनी मार का तलवार लेके आया? ओके ओके आई सी दैट। तलवार लेके नहीं आया? चुप कर, औकात इतनी है तू, हैवी रोला पाई जा रही है। चुप कर, गाल सुन, चुप कर, चुप कर, उतार ले। आप में से किसने सरदार जी से मारपीट की? साहब जी, ये लोग शोर शराबा कर रहे थे, बच्चा रोकने गया तो सरदार जी ने मारपीट शुरू कर दी। अरे हम यहाँ बीवी आपस में झगड़ा करें, कुछ भी करें, तुम कौन हो? तो बीच में घुसने वाले, मुक्का मार दिया, तेरे बाप का मुंह है? यू एंटी शैंटी का फ्लैट है। आप चुप रहिए, बाहर जाइए। ओके ऑल राइट जी, चल। कहाँ से आए आप? लुधियाने से आए हुए हैं। क्या काम करते हैं? हम लोगों का गर्म कपड़ों का काम है, व्यापारी हैं। इस बैग में क्या है? शाल और स्वेटर वगैरह होंगे। हाँ, लगता है किसी टेररिस्ट का हाथ है। अरे वो टेररिस्ट थे तो ही तो मारे गए ना। आज तक कभी सुना है आपने ऐसा? अरे ऐसा तो कभी नहीं सुना भाई, इतने दिन हुए हमें यहाँ पर, कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्यों भाई? अरे वो देखो, देखो उस आदमी को लेकर जा रहे हैं।